भैया और राम राम नमस्कार। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने अपनी चुनाव प्रबंध समिति और घोषणा पत्र समिति को ऐलान कर दिया है और इसके संग ही कई नेताओं के जो कद हैं उनको भी आंकलन एक तरीके से हो गया है। भारतीय जनता पार्टी ने विशेष तौर पर अब इस बात पर फोकस करी है कि जो नेता नाराज हते या जिनके पास जिम्मेदारी नहीं हती या जिनको उतना महत्व नहीं मिल पाओ पिछले 5 साल में, उन नेताओं को अब महत्व दो जाए और इतनी से प्रबंध समिति को काम का शुरू हो रहा हो। और यही में सबसे बड़ा चौंकावे वाला नाम एक तरीके से है जयंत मलैया को, जो मध्य प्रदेश में घोषणा पत्र समिति के संयोजक बनाए गए हैं। दरअसल घोषणा पत्र समिति मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी जब चुनाव में जे है तो उनमें कौन कौन से वादे जनता से करे, कौन कौन सी घोषणाएं करे, एक लेकर घोषणा पत्र तैयार करे जाते हैं और वही समिति को पूरा को पूरा जिम्मा द गो है जयंत मलैया को। जयंत मलैया दरअसल 2018 में विधानसभा को चुनाव हारने के बाद लगातार हाशिए पे चल रहे थे और 2021 के विधानसभा के उपचुनाव के बाद उन पर जिस तरीके से आरोप लगाए थे राहुल सिंह लोधी ने, उसके बाद पार्टी ने उनसे जवाब तलब भी करे तो हालांकि पार्टी ने उन पर कोई कार्रवाई नहीं करी थी और उसके संग ही फिर लगातार जब से लेकर अबे तक जयंत मलैया को कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं दी गई थी और अब जयंत मलैया को निश्चित तौर पर बड़ी जिम्मेदारी दी गई है और बताई गई है जब बात के भी पार्टी के भरोसेमंद चेहरों में से एक हैं। लेकिन जयंत मलैया के संगे संगे घोषणा पत्र समिति में कोको है, बेनाम हम आपको बता रहे हैं। जयंत मलैया घोषणा पत्र समिति के प्रमुख हैं, इनके संगे सह प्रमुख प्रभात झा हैं जो मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष हैं। इनके संगे सदस्यों में राजन शुक्ला, अजय बिश्नोई, ओम प्रकाश सकलेचा, लाल सिंह आल, लता वानखेड़े, ओम प्रकाश धुर्वे, सुमित सिंह सोलंकी, डीडी उइके, राजवर्धन सिंह, अजय प्रताप सिंह, रिटायर्ड आईएएस कविंद्र क्यावत, दीपक विजयवर्गीय, SNS चौहान, अतुल सेठ, मनोज पाल यादव, इंदौर के महापौर पुष्पमित्र भार्गव और डॉक्टर विनोद मिश्रा को नाम है। इके संग 21 सदस्यीय प्रबंध समिति को भी ऐलान करेगा है और इसमें अलग अलग जातियों गुटों को जो है संतुलन बनाने की कोशिश करी गई है। लेकिन इस समिति में दो नाम विशेष तौर पे जो बुंदेलखंड इलाके से छूटे हैं उनको लेकर कई जारी को उनको कछु और नई जिम्मेदारी दे है पार्टी। इनमें वीरेन खटीक जो केंद्रीय मंत्री हैं और दूसरे गोपाल भार्गव जो मध्य प्रदेश सरकार के सबसे वरिष्ठतम मंत्री हैं। इसके अलावा किन लोगों को नाम है वे हम आपको विस्तार से बता रहे हैं। चुनाव प्रबंधन समिति में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा के संगे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते और केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल शामिल करे गए हैं। इसके संगे मध्य प्रदेश कोर कमेटी के सदस्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष जबलपुर के सांसद सिंह लाल सिंह आर्य, अजय विश्नोई, गजेंद्र पटेल, रामपाल सिंह, प्रदीप लारिया, मध्य प्रदेश के मंत्रियों में मंत्री भूपेंद्र सिंह, मंत्री तुलसी सिलावट, मंत्री गोविंद सिंह राजपूत और सतना के सांसद गणेश सिंह शामिल करे गए हैं। उतई पूर्व मंत्री नारायण सिंह कुशवाहा, पूर्व मंत्री उमाशंकर गुप्ता और पूर्व प्रदेश कोषाध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल को भी चुनाव प्रबंधन समिति में शामिल करेगा है। उतई भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश, प्रदेश चुनाव प्रभारी और केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव, प्रदेश चुनाव प्रभारी और केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव, भाजपा के प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव और प्रदेश संगठन महामंत्री हितानंद को आमंत्रित सदस्य के रूप में चुनाव प्रबंधन समिति में रखे गए है। कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी ने जो संदेश दिया है कि वे अपने पुराने और वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को एक बार फिर से महत्व दें। काहे के लगातार जवाब सामने आ रही थी कि पुराने कार्यकर्ताओं को महत्व नहीं मिलने की वजह से भी नाराज हैं और पार्टी में कई जगह अनुशासनहीनता की स्थिति हो रही है जो वरिष्ठ कार्यकर्ता या वरिष्ठ नेता संभाल सकते हैं। राम राम। श्री कृष्णा यूनिवर्सिटी छतरपुर, दी हाईटेक यूनिवर्सिटी इन सेंट्रल इंडिया, बुंदेलखंड के लिए गौरव की बात है कि अब छतरपुर में हम आपको देंगे विश्व स्तरीय एजुकेशन सिस्टम और वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर। कोरोना जैसी महामारी के दौर में अब महानगरों की भीड़ भाड़, अत्यधिक खर्च से बचे तथा अपने घर एवं अपने शहर में रहकर ही विश्व स्तरीय रोजगार उन्मुखी शिक्षा को प्राप्त करें और महानगरों में होने वाली परेशानी से बचे, क्योंकि कोरोना ने हमें सिखा दिया है कि हम महानगरों में सुरक्षित हैं या अपने शहर और घर में। इसीलिए श्री कृष्णा विश्वविद्यालय आपको देगा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार तैयार पाठ्यक्रम और कोर्स में प्रवेश के अवसर।